पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के अगले ही दिन यानी 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। चुनाव नतीजों से ही तय होगा कि लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में से कौन ज्यादा आक्रामक रुख अपनाता है। 4 दिसंबर से शुरू होने वाला शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में 19 दिनों में 15 बैठकें होगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। प्रहलाद जोशी ने कहा, सत्र में 19 दिनों में 15 बैठकें होगी। उन्होंने कहा, अमृतकाल के बीच में सत्र के दौरान विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर चर्चा का इंतजार कर रहा हूँ।